तिजारा में भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम के साथ सार्वजनिक बगीची दूधाधारी हनुमान मंदिर की धर्मशाला परिसर में ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आयोजित किया गया। ब्राह्मण समाज के तिजारा के अध्यक्ष राकेश शर्मा और सचिव मनीष शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंतर्राज्य जल संसाधन मंत्री रोहिताश शर्मा थे। अध्यक्षता नीमराणा के संजय शर्मा ने की। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। रोहिताश शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। वहीं आरती के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भाजपा विकास की पार्टी है और चुनाव भी विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। इस बार भी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि सब एकजुट होकर के और समाज की सेवा के अलावा अन्य समाजों के का भी पूरा ध्यान रखें। हमेशा विप्र समाज ने सर्व समाज का ध्यान रखा है और खास तौर से दलितों का विशेष तौर से ध्यान दिया है। जब दलितों पर अत्याचार हुए उस वक्त परशुराम भगवान ही ऐसे थे जो सबसे पहले दलितों के पर जो रजवाड़ों द्वारा जब अत्याचार हो रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले राजाओं को तत्कालीन राजाओं से लड़ाई लड़ी और इनको शेड्यूल कास्ट के लोगों को राहत दी। हम अपने विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे लीडर की लोकप्रियता के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हमने विकास के लिए बहुत काम किए। गाँव में सड़क बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की। प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर हमने 10+2 का स्कूल खोला है ताकि बच्चे पढ़ सकें और गाँव की सड़क कनेक्टिविटी प्रत्येक गाँव में हमने सड़क दी। सब सेंटर खोले हैं चिकित्सा के और पशु चिकित्सक के का भी हमने गाँव में इंतजाम किया। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार में खींचतान चल रही है। अभी नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तो हाईकमांड ही कोई बताए कौन होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे कि जब हमारे चीफ सेनापति हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हैं, वसुंधरा जी से तालमेल बैठा करके ही नाम देना चाहिए ताकि तालमेल के हिसाब से हम इस युद्ध को जीत।